हमारे मिलन की आस है ये ज़िंदगी, हर सुख दुख का एहसास है ये ज़िंदगी। कभी फुर्सत मिले तो मेरे ख्वाबों में आओ, तेरे बिना बड़ी उदास है ये ज़िंदगी। सो अगर आपकी ज़िंदगी भी किसी के बिना बहुत उदास है, किसी की यादों में डूबे रहने का दिल करता है और जानना चाहते हो उसके दिल की बात, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। सो अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ओके, सो बहुत सारे फ्रॉड्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है, सेम कॉपी कर रहे हैं, सेम आईडी कॉपी कर रहे हैं, सेम नंबर कॉपी कर रहे हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हम किसी को भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते हैं, तो फ्रॉड से सावधान रहिएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ दिए हुए नंबर पर और सिर्फ दिए हुए व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। अलग अलग डेक से आज हम अलग अलग रीडिंग देखेंगे। सो पहले डेक से हम चेक करेंगे कुछ आपकी एनर्जीज, दूसरे डेक से हम कुछ चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, फिर हम लेंगे कुछ गाइडेंस, प्यारे प्यारे से गाइडेंस यूनिवर्स के आपके लिए, और एंड में हम लेंगे बहुत ही अमेजिंग से प्यारे प्यारे से मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेकर के। सो चलिए देर किस बात की है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो मैं शफलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो जल्दी जल्दी अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, उनका नाम अपने दिमाग में 3 बार रिपीट कीजिए और कार्ड्स के साथ फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। सो किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है दिल में, किसी की यादों ने बहुत ज़्यादा सता रखा है आपको। सो नो कॉन्टैक्ट है, मिनिमम कॉन्टैक्ट है, या फिर जान कर अनजान बने हुए हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। सो जानते हैं उनकी फीलिंग्स, तो सबसे पहले लेंगे कुछ आपकी रीडिंग्स। सो चलिए, डिवाइन सुपर एनर्जीज, एंजल्स, बजरंग बली, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में। सो आपकी एनर्जीज़ को पहले चेकआउट करते हैं। ओके, सो एस ऑफ स्वॉर्ड सबसे पहले निकल करके आया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। वाओ, ओके, सो लवर्स का कार्ड आ गया है। सो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, मेरे सारे के सारे व्यूअर्स को बहुत 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 सारा प्यार उनके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ये लवर्स का कार्ड नंबर 6 का कार्ड है। सो बहुत डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज आपके प्यार में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो है ना एक सरप्राइज न्यूज़ आपके लिए। ओके, सो चलिए और देख लेते हैं। जेमिनी प्रोमिनेंटली आ गया है। हो वाओ, सो टू ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आ गया है यहाँ पर, देख सकते हो आप फिर से देखो, आपको फील करना चाहते हैं, आपको डीप फील करना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए प्यार आपके पार्टनर के दिल में जाग रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगते हो उनको, भले ही दूरियाँ हैं या फिर जानकर आपके पार्टनर आपसे अनजान बने हुए हैं या फिर नो कांटेक्ट में हो, जो भी सिचुएशन आप दोनों की ज़िंदगी में है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आप में प्यार बहुत ज़्यादा है। आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप चाहते हो उनका साथ ज़िंदगी भर के लिए, उम्र भर के लिए। सो अगर ऐसा है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी में रीयूनियन यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस व्यूअर्स, बहुत अमेजिंग सी न्यूज़ आपके लिए आ रही है। आपके दिलो दिमाग में ये पर्सन छाया रहता है और हर रोज़ मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते हो। ऐसा है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किस किस तरीके से आप इनसे मिलने के लिए ट्राई करते हो, क्या क्या पैतरे अपनाते हो आप लोग इनसे बात करने के लिए। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि हम रीड करके जान सकें कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो अपने पार्टनर से मिलने के लिए। सो डेफिनेटली आपके दिलो दिमाग में ये इंसान छाया हुआ है। आप चाहते हो कि आपके इस रिलेशनशिप में जीत मिले, सक्सेस मिले आपको, और एक बहुत
बहुत ही प्यारे से एक क्लियर थिंकिंग के साथ आप इस रिश्ते को निभाते हो। चाहते हो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्टैंड लें, डिसीजन लें। कुछ चैलेंजेस ज़रूर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके इस लव लाइफ में, लेकिन आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हर तरीके से आप इसको पाना चाहते हो, भले ही एक दोस्त की तरह, लेकिन आपको ये ज़िंदगी में चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो इसके बारे में, और कई बार आप डिप्रेशन में भी चले जाते होगे। पर डिप्रेशन में क्यों जाना है, प्यार है, प्यार तो स्ट्रेंथ होती है, प्यार ताकत होती है, इसको कमज़ोरी ना बनने दें। सोचें ज़रूर, लेकिन अच्छी अच्छी बातें, नेगेटिव बातें, बुरी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोच तो आप रहे हैं, यादें भी आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को इसके साथ। क्लेम ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर, रीयूनियन भूलना नहीं है क्लेम करना। स्ट्रेंथ देखो है ना, आपके लिए प्यार उदासी नहीं, प्यार डिप्रेशन नहीं, प्यार स्ट्रेंथ होना चाहिए। आपको ये ताकत देता है, आपको ये प्यार जो है ना, ये आगे जीने की उम्मीद दिखाता है। आपके दिल में जो इसके लिए प्यार है ना, वो आपको एक पॉजिटिव थॉट देता है और एक कुछ करने का मन करता है। मतलब कि ऐसा कुछ आप करो कि आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएं, एक हैप्पीनेस आप चाहते हो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप हार मानने वालों में से नहीं हो, है ना। चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बांध कर रखना चाहते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी के होकर के रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो किसी और को अपनी ज़िंदगी में, आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लेम ज़रूर कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ में फॉर्चून आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो प्यार आप चाहते हैं, जो सोच रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, वो पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। समय लगेगा, समय का इंतज़ार कीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए, सही समय आपके पास खुद आने वाला है। जो भी आपकी तकलीफ़ें, जो भी आप परेशानियां आज झेल रहे हैं, बहुत जल्द यहां पर मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। देखिए, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मांग रहे हैं इस पर्सन को कहीं ऊपर वाले से, भगवान से, डिवाइन से। आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत जल्द एंट्री करने वाला है, और इसी सोच के साथ हम देखते हैं कि पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। क्योंकि आपकी दिल की बात तो हमने जान ली, आप तो बहुत ज़्यादा डीप प्यार करते हो, आपके दिल में तो बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, और एक पॉजिटिविटी भी देता है ये पर्सन आपको। जेंडर बाइस रीडिंग नहीं होती है, ओके, आप जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भरोसा ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर ने आपके भरोसे को तोड़ा है या आपको डिसअपॉइंट किया है, तो बात कीजिए। बातचीत करने से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बातचीत करनी ज़रूरी होती है। और देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो बातचीत बंद हो जाती है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। दिल की बात ज़रूर बोलिएगा अगर आप दिल में दबा के बैठे हैं तो। अब जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, चलिए शुरू करते हैं। ओ हो, देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को जिएंगे तो ज़रूर पॉजिटिव होगा। देख सकते हो आप, टेन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ निकल करके आ गया है आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में। पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इनकी ज़िंदगी में, कुछ इश्यूज चल रहे हो, लेकिन आपका साथ चाहते हैं। आप उनको भी स्ट्रेंथ देते हो, वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, वो अपनी आगे की ज़िंदगी आपके साथ ही देख रहे हैं। नहीं चाहते हैं कोई और उनकी लाइफ में आए, और अगर कोई उनकी लाइफ में है भी, तो भी आपका साथ वो ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं। और वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को, सिचुएशंस को समझो,
और आप उनका सपोर्ट बन के रहो। द सन, वाओ। सो एक ऐसा दिन वो वेट कर रहे हैं, ऐसे दिन का उनको इंतज़ार है जब आप उनके साथ होगे, जब आप उनके पास होगे। और ये एहसास उनको रह रहकर दिन भर आता रहता है। आपकी मासूमियत, आपका भोलापन, आपका प्यारा सा चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता है। और कहीं ना कहीं इनको इच्छा होती है, इनका दिल करता है आपके पास आने का, इनका मन करता है आपसे बात करने का। एक आप में से कई व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, या अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, या फिर सुबह सुबह ओस की घास पर चलते हैं, या फिर सुबह मेडिटेशन करते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन मॉर्निंग में सन बाथ ज़रूर लेते हैं, और लेना भी चाहिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। द चैरियट, अगेन अ वेरी वेरी अमेजिंग कार्ड एंड अ मेजर अरकाना का कार्ड निकल करके आ गया है। चैरियट का कार्ड निकल करके आया है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो, घोड़े पे सवार, तैयार, एक राजकुमार की तरह आपकी तरफ बढ़कर आने वाले हैं। प्यार भरा दिल आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। कर्क, कैंसर राशि वालों कान खोल कर सुन लो, आपके लिए स्पेशल ये रीडिंग आई है। चैरियट निकल करके आया है, कर्क राशि निकल करके आई है। इनका जो ये घोड़ा है ना, ये टिक टिक करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। तैयार हो जाइए और इंतज़ार कीजिए आपके पर्सन के वापस आने का, आपके पास आने का। पेशेंस ज़रूर रखिएगा, पेशेंस लूज़ नहीं करना है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। हो। आपके लिए भी आया था टू ऑफ कप्स का कार्ड। देखो ज़रा, सोल मेट पार्टनर हो आप एक दूसरे के, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप में से कई लोग। फ्लेम एक है लेकिन जिस्म दो हैं, प्यार एक है लेकिन दो शरीरों में बस रहा है। ये एनर्जीज आई है आप लोगों के निकल करके। अगेन, अगर अगर पॉजिटिव हो रहे हो, अगर पॉजिटिविटी मिल रही हो, तो लाइक करना नहीं भूलना है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, हो सकता है इस पॉजिटिविटी की ज़रूरत और किसी को हो। वाओ 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 वाओ। देखो, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत जल्द, अगर आपको प्रपोज नहीं किया है तो बहुत जल्द आपको प्रपोज भी करेंगे। चलिए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस निकाल के रेडी हो जाइए, तैयारी कर लीजिए। आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके पास रीयूनियन के लिए। समझ के लीजिए, यहाँ पर गलतियाँ हैं, सबसे होती हैं। अगर आपके पार्टनर से भी गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर इवन आपसे भी गलती हुई है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि झगड़े जितने ज़्यादा लंबे चलते हैं उतनी ही तकलीफ़ देते हैं। मजिशियन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि आपके जैसा जादूगर कोई इस दुनिया में नहीं है। आपका जादू इतना ज़्यादा इन पर छाया हुआ है ना कि दूरियों के बावजूद भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी एक जो आपका जो एक पर्सनालिटी है ना, वो उनको रह रह कर याद आती है, और वो नहीं चाहते हैं आपको लूज करना। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ। ओह, देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देख रहे हो आप किस तरीके से घोड़े पे सवार हो चुके हैं आपके पास आने के लिए, यहाँ पर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए, अब तो बहुत जल्द आपके पास आएंगे और अपने दिल की बात कॉन्फिडेंटली आपसे बोलेंगे। जो भी इन्होंने किया है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जो भी तकलीफ़ें आप दोनों झेल रहे हो, उसका खात्मा, उसका फिनिश, उसका दी एंड बहुत जल्द मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक एहसास ज़रूर है आपके पर्सन के दिल में, प्यार ज़रूर है, भले ही अभी टाइम लग रहा है, तो समय का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। समय अच्छा आएगा ज़रूर, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, समय तो निकल जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए, आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर। पार्टिसिपेशन, देखिए, अलग बिल्कुल नहीं रहना है, रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लाइफ में पार्टिसिपेशन कीजिए, लाइफ में खुशियाँ लेकर के आइए। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ज़िंदगी में आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। पार्टिसिपेट करना नहीं भूलना है आपको लाइफ में। लाइफ एक जर्नी है, इस जर्नी को
जितने अच्छे से तय करेंगे उतनी प्यारी ही आपकी मेमोरीज़ बनेंगी. ओके सो इस जर्नी में आगे बढ़िए, रुकना नहीं है क्योंकि समय नहीं रुकता है. ठीक है, लाइफ आगे बढ़ती है. सो लाइफ को प्लान कीजिए, आगे आने वाली ज़िंदगी प्लान कीजिए. बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड अगेन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड निकल के आया है. अब वो होगा आपकी लाइफ में जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा. कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनएक्सपेक्टेड मौका आपके पास आने वाला है. सो लूज़ मत कीजिएगा. आपकी सोच से परे डिवाइन बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में लेकर के आने वाली है. लवर्स लवर्स लवर्स, ठीक है. सो क्लेम नहीं छोड़ना है आपको, क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर. आपके लिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपका प्यार आपके पास आ रहा है. सो आप प्रिपरेशंस कर लीजिए, फटाफट झटपट तैयार हो जाइए. ट्रांसफॉर्मेशंस, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ उनके अंदर बदल रहा है, समय बदल रहा है. जो भी कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्द पूरा होने वाला है. रुकिए, आपने मैनिफेस्टेशंस लिखी है कमेंट बॉक्स में या नहीं? लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लिखना भूल गए हैं तो ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द पूरी होने वाली है. सो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, लाइफ बदलने वाली है, चेंजेस आ रहे हैं. सो अगर आपके पार्टनर पहले आपसे प्यार नहीं करते थे तो अब करने लगे हैं, पहले अगर आपकी परवाह नहीं करते थे तो अब बदल चुके हैं और ख़ुद को आपके लिए बदल रहे हैं. द फूल का कार्ड आया है. सो बहुत जल्द आपके पास आएंगे और एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे और आपके साथ अपनी लाइफ आगे की स्पेंड करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस तरीके की बेवकूफ़ी वो दोबारा करें कि आपका दिल दुखे. लास्ट का कार्ड आया है, वाओ, द ड्रीम का कार्ड. सो आपके सपनों का जादूगर, आपके सपनों का शहजादा या शहजादी आपके पास आ रही है. ओके सो चलिए जल्दी जल्दी क्लेम कीजिएगा. रीयूनियन भूलना नहीं है तो मैसेजेस तो ले लें. क्या बोल रहे हैं? अगर इतनी याद आ रही है तो क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या एनर्जीज आ रही हैं? आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर. सो थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं. अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है ना तो किसको बताएंगे कि परेशान हैं. सो बातचीत कर लीजिए, शुरू कीजिए बात करना. डोंट गिव अप, देखो गिव अप नहीं करना है, राइट? गिव अप नहीं करना है और आप हो भी नहीं गिव अप करने वालों में से. यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. सो आ रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन? सो अपने को बदल रहे हैं, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, राइट? सो आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं और आपके लिए खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप आर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन फ्यूचर. सो उनको ये होप है कि आप दोनों के रास्ते एक दिन आगे जा कर के ज़रूर एक होने वाले हैं. सो कैसी लगी रीडिंग? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलना है. ओके फ्री होता है लाइक और फ्री होता है सब्सक्राइब का बटन. सो कर लीजिए जल्दी जल्दी. ओके और अगर आप देखना चाहते हैं और वीडियोस को तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके. अरे रुकिए, हमारा एक चैनल और है, टैरो रीडिंग 2190. उस पर अपलोड होती हैं थर्ड पार्टी कनेक्शंस, थर्ड पार्टी सिचुएशंस. सो अगर आपकी लाइफ में लव ट्रायंगल है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वहाँ देख लीजिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में. सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, हम सब जगह अवेलेबल हैं और रीडिंग्स भी आप वहाँ जा कर देख सकते हैं. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.